सरदार जी हेयर फिक्सिंग सेंटर सहारनपुर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैंने 17 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई थी कि आपने जिस दिन हेयर पैच फिक्स किया है टेपिंग द्वारा या ग्लू द्वारा, तो उससे नेक्स्ट एक या दो दिन तक आपने किस तरह से इसको फुहारे का इस्तेमाल करना है, केवल उसकी वीडियो मैंने आपको 17 फरवरी में मैंने यूट्यूब पर डाली थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमें तीसरे और चौथे दिन इसको पूरी तरह से वॉश करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको इसका इसकी सेटिंग करने में बहुत अच्छा लगे और इसका गुड फील हो, आपको वॉश करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगे और इचिंग वगैरह आपको कुछ हो रही है तो उसका भी आपको सोल्यूशन इसमें नजर आएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको पूरी तरह से तीसरे या चौथे दिन इसको वॉश करने का सही तरीका क्या है। हेलो दोस्तों, हमने सबसे पहले आधा या पौन मग्गे में पानी भर लेना है और कंडीशनर से ही वॉश करना है। हेयर पैच फिक्स होने के बाद पूरी तरह से इसको जो वॉश करना है वो शुरुआत में केवल कंडीशनर से वॉश करना है, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। आधा मग्गा या पौन मग्गा हमने पानी इसमें भर लिया है और हम इसको कंडीशनर इसमें मिक्स करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। पूरा पाउच गार्नियर का ग्रीन कंडीशनर सबसे बेस्ट होता है हेयर पैच के लिए। हमने पूरा पाउच इसमें हमने डाइल्यूट कर दिया और इसको अच्छे से पूरा मिक्सअप कर दिया। शैम्पू के मुकाबले कंडीशनर को मिक्स करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये मिक्स हो जाता है। आप अच्छे से इसको डाइल्यूट करें और पूरा इसको घोल लें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने इसको सीधा पानी इसमें डालने से पहले हमने इसको फुहारा मारना है और पहले इसके कॉम कर लेना है। जो भी हेयर स्टाइल आपने बनानी है वो स्टाइल आपने पहले इसको कॉम करके इसके ट्रायंगल खत्म कर लेने हैं, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। जो स्टाइल बनाया है उसी दिशा में करना है। पहली वॉशिंग का सही तरीका क्या है कि आपने जो भी हेयर स्टाइल बनाना है इसको इसकी हेल्प से फुहारा मारकर पहले वो आपने कॉम कर लेना है और स्टाइल बना लेना है। उसके बाद आपने जो कंडीशनर का पानी आपने घोला है वो आपने डालना है और हल्के हल्के डालते हुए इसमें कॉम करना है। हेलो अनाश, देखो कॉम करो। आपने जैसे कंडीशनर जो हमने घोला है इसमें डालते गए और वही दिशा रखनी है आपने कॉम की जो आपने हेयर स्टाइल बनाई है। सबसे जरूरी बात है आपने सारे बाल पहली वॉशिंग में आगे नहीं करने हैं, हेयर स्टाइल जो बनाई है उसी हेयर स्टाइल की तरफ आपने कॉम करते रहना है। इस साइड के साइड में करो। अगर आपको इचिंग वगैरह की कोई इचिंग हल्की सी परेशानी हो रही है, खारिश वगैरह लग रही है, तो आप इसमें एक ढक्कन या दो ढक्कन आप इसमें पानी में मिला सकते हैं। कंडीशनर वाले पानी में एक ढक्कन या दो ढक्कन अपनी सुविधा अनुसार, अगर बहुत हल्की खारिश है तो एक ढक्कन, बहुत ज्यादा खारिश हो रही है तो दो ढक्कन आपने इसमें सेवलॉन मिला लेना है पानी में, कंडीशन वाले पानी में मिला लेना है और हल्के हल्के डालते हुए कॉम करते रहना है। कॉम हैंड टू हैंड करना बहुत जरूरी है। जब ये सेवलॉन मिला हुआ कंडीशनर वाला पानी आपके हेड पे जाएगा अंदर, तो आपको इचिंग के बहुत फायदा मिलेगा। कॉम करो, अच्छे से कॉम करो। कॉम हैंड टू हैंड करना बहुत जरूरी है और उसी दिशा में करो जो स्टाइल आपने बनाया है, ठीक है। अब मैं इसमें आधा या पौन मग्गा पानी सादा लूंगा और हल्के हल्के डालते हुए हैंड टू हैंड कॉम करूंगा और ये कंडीशनर वाला पानी निकालूंगा, ठीक है। अब हम सादा पानी लेंगे आधा मग्गा और हल्के हल्के डालते हुए जो कंडीशनर वाला पानी हमने डाला था उसको हम इसको निकालना है कंडीशनर को, ठीक है। करिए हल्के हल्के डालना है और उसी दिशा में कॉम करते रहना है। कॉम हैंड टू हैंड करना बहुत जरूरी है हर स्टेप पर। अब ये कंडीशनर का सारा पानी हमने निकाल लिया है, ठीक है, उसी दिशा में करो। अब हम इसको तौलिए से हमने कसके दबाना है, रगड़ना नहीं है, टॉवल लेके इसको दबाओ। अच्छे से जो इसको टॉवल से अच्छे से दबाना इसलिए बहुत जरूरी है कि तो इसको ये हमने सुखाना भी है और इसको जो अंदर टेबल ग्लू है उसको ताकत द्वारा मिल जाती है अगर हम उसको कस के दबाते हैं।
दबाओ। अब हम इसको अच्छे से दबाने के बाद इसको ड्रायर से इसकी सेटिंग करते हैं। कॉम कीजिए और कॉम अच्छे से करने के बाद इसे ड्रायर से पूरी सेटिंग कीजिए। ड्रायर करते हुए आपने अपना हेयर स्टाइल बना लेना है। ड्रायर यूज करने में आपको एकदम हॉट हवा का यूज नहीं करना है, गर्म हवा का यूज नहीं करना है, जो नॉर्मल मोड होता है नॉर्मल सादी हवा का ही यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। ओके, अब उसके बाद आपने फाइनल टच करना है, आपने बजाज का आलमंड ड्रॉप 2-3 बूंद, 2 बूंद सीरम और 2 बूंद पानी, 2 बूंद पानी मिला के आपस में इनको मिक्सअप करके इसको फाइनल टच देना है। दिखाइए, 2 चीजें 3 चीजें मिला के इसको फाइनल टच की। जी भैया फाइनल टच कीजिए। 2 बूंद बजाज कलम ड्रॉप, 2-3 बूंद पानी और 2-3 बूंद कंडीशनर सीरम मिला के मिक्सअप करके उंगलियों के सहारे हल्के हल्के हाथ से लगाना है, फाइनल टच देना है। ओके,